शाम होते ही पलट गई बाजी। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, आज लोकसभा के अंतिम चरण का मतदान था और काराकाट लोकसभा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। सिर्फ काराकाट लोकसभा का ही चर्चा हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि काराकाट से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इसी वजह से काराकाट लोकसभा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और आज सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है और ज़बरदस्त वोटिंग पड़ा है काराकाट लोकसभा में। और वोटिंग को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा रहा है तो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का सबसे ज़्यादा चर्चा रहा है मीडिया में। जी हाँ दोस्तों, आज भी पवन सिंह का ही सबसे ज़्यादा चर्चा रहा है मीडिया में और विरोधियों द्वारा बहुत ज्यादा भड़काने का भी कोशिश किया जा रहा था, लेकिन उन लोगों का कला कोई काम नहीं किया। और आप सभी को बताना चाहता हूँ, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 5 बजने वाला है और अभी भी वोटिंग जारी है और शाम 6 बजे तक वोटिंग होगा और शाम में थोड़ा बहुत उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम कुशवाहा का भी थोड़ा सा चर्चा होने लगा है मीडिया में। और उधर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह स्टोरी पे स्टोरी लगाते जा रही हैं। जो लोग पवन सिंह को वोट देकर आ रहे हैं, ज्योति सिंह को मेंशन कर रहे हैं, ज्योति सिंह अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लगाकर दिखा रही हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। हाँ, एक बात और आप सभी को बताना चाहता हूँ, हमारे चैनल पे रात 9 बजे एग्जिट पोल आप सभी के बीच आने वाला है। एग्जिट पोल में आप सभी को बताऊंगा अपने अनुमान से काराकाट लोकसभा में कौन बाजी मार रहा है। और सभी बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले एग्जिट पोल बनाएंगे और मैं भी बनाऊंगा, मेरे चैनल पे भी आप लोग देख लेना पवन सिंह का एग्जिट पोल। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। धन्यवाद दोस्तों।